श्राद्ध करता श्राद्ध में एक ही ब्राह्मण आमंत्रित करता है तो उस ब्राह्मण के उदर भाग में पिता, वाम पार्श्व में पितामह, दक्षिण पार्श्व में प्रपितामह और पृष्ठ भाग में पिंड भक्षक पितर रहते हैं। श्राद्ध काल में यमराज प्रेत तथा पितरों को यमलोक से मृत्यु लोक के लिए मुक्त कर देते हैं। नरक भोगने वाले भूख प्यास से पीड़ित पितृजन अपने पुनर्जन्म के किए गए पाप का पश्चाताप करते हुए अपने पुत्र पौत्रों से मधु मिश्रित पायस की अभिलाषा करते हैं, अतः विधि पूर्वक पायस के द्वारा उन पितृगणों को तृप्त करना चाहिए। गरुड़ के इस प्रश्न के उत्तर में कि मृत्यु के बाद प्राणी को तत्काल दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती है अथवा विलंब से उसको दूसरे शरीर में जाना पड़ता है, भगवान ने कहा, हे गरुड़, मृत्यु के पश्चात तुरंत और विलंब दोनों प्रकार से दूसरे शरीर में प्राणी प्रविष्ट होता है। शरीर के अंदर जो ज्योति स्वरूप जीवात्मा विद्यमान रहता है वो मृत्यु के बाद तुरंत ही वायवीय शरीर धारण कर लेता है। भूत प्रेत और पिशाचों का शरीर ऐसा ही कहा गया है। पुत्रादि के द्वारा दशगात्र के जो पिंडदान किए जाते हैं उससे पिंडज शरीर बनता है। उस पिंडज शरीर से वायवीय शरीर एकाकार हो जाता है। यदि पिंडज शरीर का साथ नहीं होता तो वायु शरीर कष्ट भोगता है। कोई कोई जीवात्मा पिंडज शरीर विलंब से प्राप्त करता है क्योंकि मृत्यु के बाद स्वकर्मानुसार वो यमलोक को जाता है। चित्रगुप्त की आज्ञा से वो वहां से नरक भोगता है। वहां की यातनाओं को झेलने के पश्चात उसे पशु पक्षी तिर्यक कीट पतंग आदि की योनि प्राप्त होती है। प्राणी जिस शरीर को ग्रहण करता है उसी शरीर से मोहवश ममता हो जाती है। शुभ अशुभ कर्मों के फल भोग कर वो मुक्त हो जाता है। गरुड़ के ये पूछने पर कि बहुत से पापों को करने पर भी इस संसार को पार कर प्राणी आपको कैसे प्राप्त कर सकता है, भगवान ने कहा, हे पक्षीराज, मनुष्य अपने अपने कर्म में रत रहकर संसिद्धि प्राप्त कर लेता है। सत्कर्म से जिसने अपने कायुष्य को नष्ट कर दिया है वो व्यक्ति वासुदेव की निरंतर चिंतन से विशुद्ध हुई बुद्धि से युक्त होकर धैर्य से अपना नियमन करके स्थित रहता है। जो शब्दादि विषयों का परित्याग कर तथा राग द्वेष को छोड़कर विरक्त सेवी और यथा प्राप्त भोजन से संतुष्ट रहता है, जिसका मन वाणी शरीर संयमित है, जो वैराग्य धारण करके नित्य ध्यान योग में तत्पर रहता है, जो अहंकार बल दर्प काम क्रोध और परिग्रह इन षड विकारों का परित्याग करके निर्भय होकर शांत हो जाता है, वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। इसके बाद मनुष्यों के लिए कुछ करना शेष नहीं रह जाता। नाभि से मूर्धा पर्यंत शरीर में 8 क्षेत्र हैं। जो सत्कर्म करने वाले पुण्यात्मा हैं, उनके प्राण शरीर में ऊर्ध्व छिद्रों से निकलकर परलोक जाते हैं। जो अनासक्त भाव से सत्कर्म में रत रहता है वो मृत्यु के बाद सुखी रहता है और संसारिकता के मायाजाल में नहीं फंसता है। जो विकर्म में निरत रहता है ये मनुष्य पाशबद्ध हो जाता है। इस संसार में 84 लाख योनियां हैं। इन सभी में मनुष्य योनि परम दुर्लभ है। 5 ज्ञान इंद्रियों से युक्त ये योनि प्राणी को बड़े ही पुण्य से प्राप्त होती है। स्वर्ग और मोक्ष के साधन भूत मनुष्य योनि को प्राप्त करके जो प्राणी उन दोनों में से एक भी लक्ष्य की सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाता, निश्चित ही उसने अपने को ठग लिया। 100 का मालिक 1000 की कामना करता है, 1000 वाला लाख की, लक्षाधिपति राज्य की इच्छा करता है। जो राजा है वो संपूर्ण पृथ्वी को अपने वश में रखना चाहता है। चक्रवर्ती नरेश देवत्व की इच्छा करता है। देवत्व पद के प्राप्त होने पर उसकी अभिलाषा देवराज इंद्र के पद की होती है। देवराज होने पर वो ऊर्ध्व गति की कामना करता है, फिर भी उसकी तृष्णा शांत नहीं होती। तृष्णा से पराजित व्यक्ति नरक में जाता है। जो लोग तृष्णा से मुक्त हैं उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। इस संसार में जो प्राणी आत्माधीन है वो निश्चित ही सुखी है। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये जो 5 विषय हैं, इनकी अधीनता में रहने वाला निश्चित ही दुखी रहता है। लोह और काष्ठ से बने पास में बंधा व्यक्ति मुक्त हो जाता है, किंतु स्त्री पुत्र धन
आदि के मोहपाश में बंधा प्राणी कभी मुक्त नहीं हो पाता। पाप एक मनुष्य करता है, किंतु उसके फल का उपभोग बहुत से लोग करते हैं। भोक्ता तो अलग अलग हो जाते हैं, पर कर्ता दोष का भागी होता है। सबके देखते देखते मृत प्राणी सबको छोड़कर चला जाता है। इस मृत्यु लोक में प्राणी अकेला ही जन्मता है, अकेला ही मरता है और अकेला ही पाप पुण्य को भोग करता है। बंधु बांधव मरे हुए स्वजन के शरीर को पृथ्वी पर लकड़ी और मिट्टी के ढेले की भांति छोड़कर परामुख हो जाते हैं। धर्म ही उसका अनुसरण करता है। प्राणी का धन वैभव घर में ही छूट जाता है। मित्र एवं बंधु बांधव शमशान में छूट जाते हैं। शरीर को अग्नि ले लेता है। पाप पुण्य ही उस जीवात्मा के साथ जाते हैं। मनुष्य ने जो भी शुभ या अशुभ कर्म किया है वो सर्वत्र उसी को भोगता है। मनुष्य स्वयं जो भी सत्कर्म करता है अथवा दान देता है, परलोक में वे सभी उसके सामने उपस्थित रहते हैं। दान में जो गौ, भूमि, स्वर्ण, वस्त्र, भोजन और पददान अपने हाथ से दिए जाते हैं, वे सभी जिस जिस योनि में व्यक्ति जाता है वहाँ वे दान उपस्थित रहते हैं। जब तक प्राणी का शरीर स्वस्थ रहे तब तक धर्म का सम्यक पालन करना चाहिए। अस्वस्थ होने पर दूसरों की प्रेरणा से भी वो कुछ नहीं कर पाता। यदि अपने जीवन काल में व्यक्ति आप दैहिक कर्म नहीं कर लेता है अथवा मरने के बाद अधिकारी पुत्र पौत्र आदि के द्वारा भी ये क्रिया नहीं होती, तो वो वायु रूप में भूख प्यास से पीड़ित हो रात दिन भटकता रहता है। वो कृमि कीट अथवा पतंगा होकर बार बार जन्म लेता है और मर जाता है। वो कभी असत मार्ग से गर्भ में प्रविष्ट होता है एवं जन्म लेते ही तत्काल विनष्ट हो जाता है। वैतरणी नदी का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि यमलोक के मार्ग में वैतरणी नाम की एक महानदी है। वो अगाध दुस्तर है और देखने मात्र से पापियों को महाभयभीत करने वाली है। पृथ्वी पर जिन लोगों ने गौदान किया है उस दान के प्रभाव से वे उसे पार कर जाते हैं, अन्यथा जिनके द्वारा यह दान नहीं हुआ है वो उसी में डूबते रहते हैं। अहंकारवान पापी, अपनी झूठी प्रशंसा करने वाला कृतघ्न, गर्भपात कराने वाला तथा अन्य बहुत से पापों के कारण जीव वैतरणी में निवास करता है। कदाचित भाग्य योग से उस नदी को पार करने की इच्छा उत्पन्न हो जाए तो उससे तरने का उपाय सुनो। मकर और कर्क की संक्रांति का पुण्य काल, व्यतिपात, योग, दिनोदय, सूर्य चंद्र ग्रहण, संक्रांति, अमावस्या अथवा अन्य पुण्य काल के आने पर इससे तरने के लिए श्रेष्ठतम दान दिया जाता है। यों तो मन में दान देने की श्रद्धा जब भी उत्पन्न हो जाए वही दान का काल है, क्योंकि संपत्ति अस्थिर है, शरीर अनित्य है और धन भी सदा रहने वाला नहीं है। मृत्यु सदा समीप है, इसलिए धर्म संग्रह करना चाहिए। जब तक ये शरीर स्वस्थ और निरोग है, जब तक इस शरीर से बुढ़ापा दूर है, जब तक इंद्रियों की शक्ति किसी भी प्रकार से क्षीण नहीं हुई है, तब तक आयु नष्ट नहीं हुई है, जब तक अपने कल्याण के लिए महान प्रयत्न कर लेना चाहिए, क्योंकि घर में महाभयंकर आग के लग जाने पर कुआं खोदने के उद्देश्य से मनुष्य को क्या लाभ प्राप्त हो सकता है। भारतवर्ष में मानव योनि प्राप्त करके मनुष्य अपने जीवन का उत्सर्ग तीर्थ में करता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंती और द्वारका, ये सात पुरियां मोक्ष देने वाली हैं। जो मनुष्य मृत्यु के समय दो अक्षर हरि का एक बार उच्चारण कर लेता है वो मरने पर मानो मोक्ष प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध हो गया है। राग द्वेष रूपी मल को दूर करने में समर्थ ज्ञान रूपी जलाशय के सत्य रूपी जल से युक्त मानस तीर्थ में जिस मनुष्य ने स्नान कर लिया वो कभी पापों से लिप्त नहीं होता। देवता कभी काष्ठ और पत्थर की शिला में नहीं रहते, वो तो प्राणी के भाव में विराजमान रहते हैं। इसलिए सद्भाव से युक्त भक्ति का सम्यक आचरण करना चाहिए। पंडित को जीवन और मरण इन दो की ही शिक्षा लेनी चाहिए। अतः दान और भोग से जीवन धारण करें और युद्ध भूमि तथा तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त करें। इस पृथ्वी पर दान, दम और दया, ये तीन सत तत्व हैं। दरिद्र तथा सज्जन ब्राह्मण को दान, निर्जन प्रदेश में स्थित शिवलिंग का पूजन
और अनाथ प्राणी का संस्कार करोड़ों यज्ञ का फल प्रदान करता है। यथाविहित अपने धर्म का पालन करने से प्राणियों को ऊर्ध्व गति तथा अधर्म की ओर बढ़ने से अधोगति प्राप्त होती है। अतः सभी वर्णों की सदंती अपने धर्म पर चलने से ही होती है। देव और मानव योनि में जो दान तथा भोगादि की क्रियाएं दिखाई देती हैं, वे सब कर्मजन्य फल हैं। घोर अकर्म से और काम क्रोध के द्वारा अर्जित जो शुभ अशुभ पापाचार हैं, उनसे नरक प्राप्त होता है तथा वहां से जीव का उद्धार नहीं होता। सुकर्म के प्रभाव से प्राणी को ऐहिक और पारलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। जिनके हृदय में नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले भगवान जनार्दन विराजमान हैं, उन्हीं को लाभ और विजय प्राप्त होती है। ऐसे प्राणियों की पराजय कैसे हो सकती है? धर्म की जीत होती है अधर्म की नहीं। सत्य ही जीतता है असत्य नहीं। क्षमा की विजय होती है क्रोध की नहीं। विष्णु ही जीतते हैं असुर नहीं। विष्णु ही माता है, विष्णु ही पिता है और विष्णु ही अपने स्वजन बांधव हैं। जिनकी बुद्धि इस प्रकार स्थिर हो जाती है, उनकी दुर्गति नहीं होती। भगवान पुंडरीकाक्ष मंगल करते हैं। मोक्ष प्राप्ति का उपाय। अंत में गरुड़ जी भगवान से एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात पूछते हुए कहते हैं, हे दयासागर, अज्ञान के कारण ही जीव की उत्पत्ति संसार में होती है। इस बात को तो मैंने सुन लिया, अब मैं मोक्ष के सनातन उपाय को सुनना चाहता हूँ। इस दुस्तर असार संसार में नाना प्रकार के शरीरों में प्रविष्ट जीवों की अनंत श्रेणियां हैं। वे इसी संसार में जन्म लेती हैं और इसी में मर जाती हैं, किंतु उनका अंत नहीं होता। वे सदैव दुख में व्याकुल रहती हैं। यहाँ कहीं कोई भी सुखी नहीं है। वे किस उपाय से सुखी हों, इसे आप बताने की कृपा करें। श्री भगवान इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, अनेक जन्मों में कर्मों के अनुसार प्राणी को जाति, देह, आयु तथा मुक्ति प्राप्त होती है और सुख दुख प्रदान करने वाले पुण्य और पापों का उनके ऊपर नियंत्रण रहता है तथा पुनः पुनः जन्म मरण की प्रथा चलती रहती है। इस मृत्यु लोक में हजार की नहीं करोड़ों बार जन्म लेने पर भी जीव को कदाचित ही संचित पुण्य के प्रभाव से मानव योनि मिलती है। ये मानव योनि मोक्ष की सीढ़ी है। 84 लाख योनियों में स्थित जीवात्माओं को बिना मानव योनि मिले तत्व का ज्ञान नहीं हो सकता। अतः इस दुर्लभ योनि को प्राप्त करके जो प्राणी स्वयं अपना उद्धार नहीं कर सकता, उससे बढ़कर मूढ़ इस जगत में दूसरा कौन हो सकता है? कोई भी कर्म शरीर के बिना संभव नहीं है। अतः शरीर रूपी धन की रक्षा करते हुए पुण्य कर्म करना चाहिए। शरीर की रक्षा धर्म के लिए, धर्म की रक्षा ज्ञान के लिए और ज्ञान की रक्षा ध्यान योग के लिए तथा ध्यान योग की रक्षा तत्काल मुक्ति प्राप्ति के लिए होती है। यदि स्वयं ही अहितकारी कार्यों से अपने को दूर नहीं कर सकते हैं, तो अन्य कोई दूसरा कौन हितकारी होगा जो आत्मा को सुख प्रदान करेगा? जैसे फूटे हुए घड़े का जल धीरे धीरे बह जाता है, उसी प्रकार आयु भी क्षीण होती है। जब तक ये शरीर स्वस्थ है, तब तक ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए सम्यक प्रयत्न करता रहना चाहिए। 100 वर्ष का जीवन अत्यल्प है, इससे भी आधा निद्रा तथा आलस्य में चला जाता है। इसके साथ ही कितना समय बाल्यावस्था, रुग्णावस्था, वृद्धावस्था तथा अनान्य दुखों में व्यतीत हो जाता है। इसके बाद जो थोड़ा सा बच जाता है, वो भी निष्फल हो जाता है। अपने हित अहितकों को न जानते हुए जो नित्य कुपथगामी है, जिनका लक्ष्य मात्र पेट भरना है, वे मनुष्य नारकीय प्राणी। अज्ञान से मोहित होकर प्राणी अपने शरीर, धन एवं स्त्री आदि से अनुरक्त होकर जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। अतः व्यक्ति को उनकी बड़ी हुई अपनी आसक्ति का परित्याग करना चाहिए। यदि आसक्ति न छोड़ी जा रही हो, तो महापुरुषों के साथ वो आसक्ति को जोड़ देना चाहिए, क्योंकि आसक्ति रूपी व्याधि की औषधि सज्जन पुरुष ही है। सत्संग और विवेक, ये दो प्राणी के मल रहित स्वस्थ दो नेत्र हैं। जिसके पास ये दोनों नहीं है, वो मनुष्य अंधा है, वो कुमार्ग पर कैसे नहीं जाएगा? अर्थात वो अवश्य ही कुमार्ग गामी होगा।
जो व्यक्ति दंभ के वशीभूत हो जाता है वो अपना ही नाश करता है। जटाओं का भार और मृग चर्म से युक्त साधु का वेश धारण करने वाले दाम्भिक ज्ञानियों की भांति इस संसार में भ्रमण करते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। लौकिक सुख से आसक्त मैं ब्रह्म को जानता हूँ ऐसा कहने वाले कर्म तथा ब्रह्म दोनों से भ्रष्ट दंभी और ढोंगी व्यक्ति का अंत्यज के समान परित्याग कर देना चाहिए। बंधन और मोक्ष के लिए इस संसार में दो ही पद हैं। एक पद है ये मेरा नहीं है और दूसरा पद है ये मेरा है। ये मेरा है इस ज्ञान से वो बंध जाता है और ये मेरा नहीं है इस ज्ञान से वो मुक्त हो जाता है। जो कर्म जीवात्मा को बंधन में नहीं ले जाता वही सत्कर्म है। जो विद्या प्राणी को मुक्ति प्रदान करने में समर्थ है वही विद्या है। जब तक प्राणी को कर्म अपनी ओर आकृष्ट करते रहते हैं तब तक उसमें सांसारिक वासना विद्यमान है और जब तक उनकी इंद्रियों में चंचलता है तब तक उन्हें परम तत्व का ज्ञान कहाँ से हो सकता है। जब तक शरीर में का अभिमान है जब तक उसमें ममता है जब तक उस प्राणी में प्रयत्न की क्षमता रहती है तब तक उसमें संकल्प तथा कल्पना करने की शक्ति है। जब तक उसके मन में स्थिरता नहीं है तब तक वो शास्त्र चिंतन नहीं करता है तथा उस पर गुरु की दया नहीं होती है तब तक उसको परम तत्व कहाँ से प्राप्त हो सकता है। श्री भगवान कहते हैं हे गरुड़ उस तत्वज्ञ का अंतिम कृत्य सुनो जिसके द्वारा ब्रह्म पद या निर्वाण नाम वाला मोक्ष प्राप्त होता है। अंत समय आ जाने पर पुरुष भय रहित होकर संयम रूपी शस्त्र से देहादि की आसक्ति को काट दे। अनासक्त भाव से धीरवान पुरुष पवित्र तीर्थ में जाकर उसके जल में स्नान करे तदनंतर वहीं पर एकांत देश में किसी स्वच्छ एवं शुद्ध भूमि में विधिवत आसन लगाकर बैठ जाए तथा एकाग्रचित होकर गायत्री आदि मंत्रों द्वारा उस शुद्ध परम ब्रह्माक्षर का ध्यान करे। ब्रह्मा के बीज मंत्र को बिना भुलाए वो अपने श्वास को रोककर मन को वश में करे तथा अन्य कर्मों से मन को रोककर बुद्धि के द्वारा शुभ कर्म में लगाए। मैं ब्रह्म हूँ मैं परम धाम हूँ मैं ही ब्रह्म हूँ परम पद मैं ही हूँ इस प्रकार की समीक्षा करके निष्फल आत्मा में मन को प्रविष्ट करना चाहिए। जो मनुष्य ओम इस एकाक्षर मंत्र का जप करता है वो अपने शरीर का परित्याग कर परम पद को प्राप्त करता है। मान मोहित से रहित आसक्ति दोष से परे नित्य आध्यात्म चिंतन से दत्त चित्त सांसारिक समस्त कामनाओं से रहित और सुख दुख के नाम द्वंद से मुक्त ज्ञानी पुरुष ही उस अव्यय पद को प्राप्त करते हैं। प्रौढ़ वैराग्य में स्थित होकर के अनन्य भाव से जो व्यक्ति मेरा भजन करता है वो पूर्ण दृष्टि वाला प्रसन्नात्मा व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। घर छोड़कर मरने की अभिलाषा से जो तीर्थ में निवास करता है और मुक्ति क्षेत्र में मरता है उसे भी मुक्ति प्राप्त होती है। हे तार्ष ज्ञान तथा वैराग्य से युक्त ये सनातन मोक्ष धर्म ऐसा ही है उसको तुम्हें सुना भी दिया है। तत्वज्ञ मोक्ष प्राप्त करते हैं धर्मनिष्ठ स्वर्ग जाते हैं पापी नरक में जाते हैं पक्षी आदि इस संसार में अन्य योनियों में प्रविष्ट होकर घूमते रहते हैं। अपने प्रश्नों के उत्तर के रूप में भगवान के मुख से इस प्रकार सिद्धांत को सुनकर प्रसन्न शरीर वाले गरुड़ ने जगदीश्वर को प्रणाम किया और कहा प्रभु आपके इस अहादकारी वचनों से मेरा बहुत बड़ा संदेह दूर हो गया। ऐसा कहकर उन्होंने भगवान विष्णु से आज्ञा ली और वे कश्यप जी के आश्रम में चले गए। ये गरुड़ महापुराण बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है। ये सभी पापों का विनाशक एवं सुनने वालों की समस्त कामनाओं का पूरक है। इसका सदैव श्रवण करना चाहिए। जो मनुष्य इस महापुराण को सुने या जैसे भी हो वैसे इसका पाठ करे तो वो प्राणी यमराज की भयंकर यातनाओं को तोड़कर निष्पाप होकर स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है।